Hello everyone, welcome back to my channel Grasp the Knowledge. So today we will start the topic properties of indifference curve. ठीक है, indifference curve क्या होता है? जब हम दो बोर्ड को combination में show करते हैं उसे diagrammatic representation होता है indifference curve. तो indifference curve की कुछ properties होती है. पहला होता है आईसी स्लोप डाउनवर्ड. जो आईसी होता है वो हमेशा नीचे की साइड स्लोप करेगा. क्यों? क्योंकि एक गुड का गेन होता है और दूसरे गुड का लॉस होता है. फिर है आईसी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. आईसी हमेशा कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के. किस लिए? ये भी इसलिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब हम एक गुड के लिए दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करते हैं. हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. जैसे जैसे हमारी आईसी बढ़ती जाएगी, जैसे आईसी वन ये है, आईसी टू ये है, आईसी थ्री ये है, आईसी फोर ये है, तो वैसे वैसे क्या होगा, हमारा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा. फिर है आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट. आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. फॉर जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे एक आईसी है ए बी और एक आईसी है ए सी. तो अगर मैंने मान लिया ए बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है, तो क्या बी सी के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? देखो, क्या ये पॉइंट इसके इक्वल आ सकता है? नहीं आ सकता. तो ये इलॉजिकल वे में है. ठीक. फिर आई सी डू नॉट टच एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस. कभी भी आई सी कोई भी एक्सेस को टच नहीं करेगी. ठीक है, ये थी फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ठीक, एक बार और ब्रीफली समझाती हूँ. आई सी स्लोप डाउनवर्ड. क्यों? गेन होता है, लॉस होता है. आईसी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन MRS की वजह से. हायर आईसी हायर लेवल ऑफ, जैसे जैसे हमारी आईसी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता जाएगा. आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट का क्या है कि कभी भी आईसी एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. आईसी डू नॉट टच एक्सेस और वाई एक्सेस. कभी भी आईसी कोई भी एक्सेस को टच नहीं करेगी. सो दिस वॉज फॉर ऑल टूडेज वीडियोज. अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.